अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। ये काले चने हैं, मैं 8 घंटे से भिगने रखा हूँ ये चनों को। ये चना चाट बनेंगे, इसको गलने के लिए रख देंगे। ये एक आधा किलो पौ किलो चने थे तो ये भीग के आधा किलो चने हो गए। अब इसको उबाल लेंगे। ये पानी है, ये पानी फेंकने का नहीं है, जो चने भिगाते ये पानी ऐसे रखना है। चनों को डाल देंगे कुकर में। अब इसमें पानी डाल देंगे, इतना पानी डालेंगे जितना कि चने भीग सके, इतना ही। अब इसमें नमक डाल देंगे, एक चम्मच नमक डाल देंगे। कुकर का ढक्कन लगा के इसको 4 से 5 सीटी आने तक लगेंगे। ये चना चाट बन रहा, काला चना चाट। पांच सीटी हो गए चने के, गैस निकल गई इसकी। इसको पूरी गैस निकाले तक ढक्कन नहीं खोलना। चने गल के रेडी हो गए। अब इसको निथार के रख लेंगे। गैस पे कढ़ाई को चढ़ा देंगे, कढ़ाई गर्म होने तक के इंतजार करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें से 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल ज्यादा डालना नहीं है, तेल अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे इसमें। 1-2 सेकंड के लिए जीरे को भून लेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्ची है कटी हुई, और थोड़ी सी है। हम सबको अच्छे से भून लेंगे, मसाले के अच्छे खुशबू आ गए हैं। अदरक लहसुन की भून लेंगे, अदरक लहसुन की अच्छी खुशबू आ रही। 1 डली प्याज है, बारीक चॉप की भी है, ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा इसका कलर आने तक इसको अच्छे से तल लेंगे। प्याज को अच्छे से तलना है, और ये प्याज तले गए तक एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, चटपटा स्वाद आने के लिए 1/2 चम्मच काला नमक है। अब इसमें ये जो पानी था चनों का पानी, ये डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट बना के डालने से ये मसाले जलते नहीं, पेस्ट बना के डालने से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज का अच्छा सा कलर चेंज हो गया। अभी जो मसालों की ग्रेवी बना के रखे थे ये मसाले डाल देंगे इसमें। प्याज के साथ मसालों को अच्छे से भून लेंगे, तेल ऊपर आने तक का भून लेंगे इसमें। मसाला अच्छी तरीके से भुने गया, ऊपर तेल भी आ गया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही खुशबू। अब जो ये चने थे उबाल के रख लिए थे, काले चने इसमें डाल देंगे। चनों को डाल के अच्छे मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए चनों में। स्लो है फ्लेम को स्लो रखना है। अब इसमें डाल देंगे उबला हुआ आलू है, ये 2 आलू है, छोटे छोटे टुकड़ों में करके रख लिए, उबले हुए आलू हैं, ये डाल देंगे इसमें। ये आलू में मसाला अच्छा आ जाता, थोड़ा सा मिला लेंगे इसको। आलू में अच्छा सा मसाला आ गया। अब चूल्हे को करते हैं बंद। बंद करने के बाद में हम इसमें दूसरे चीज़ें ऐड करते जाएंगे। थोड़ी कटी हुई प्याज है, ये चॉप करी हुई प्याज है, प्याज भी डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा कटा हुआ ये खीरा है, इसको इसका स्किन के साथ ही खीरा है, स्किन के साथ ही निकालना, नहीं तो पानी पानी हो जाता। थोड़े से कटे हुए बारीक टमाटर है, ये सब डालने से चाट बहुत अच्छा दिखता। अब डाल देंगे कोथमीर, हरा धनिया है ये खाली, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा चाट मसाला है, चटपटा चाट मसाला, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे।
सारे चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। इसमें नमक, चने उबालते खुद में नमक डाले, और ग्रेवी में काला नमक था, मैं अब तक नमक नहीं डाला, ये नमक बस है। अगर आपको नमक होना तो आप इसमें नमक ऐड कर ले सकते हैं ये टाइम पे। अब इसको सर्व करेंगे, इसमें से थोड़ा सा ये जो मिठाई की दुकान में मिलता है ये सेव है, ये भी डाल देंगे। अब इसको सर्व करके दिखाते हैं। ये प्लेट में डाल दिए, अब इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देना, आपको नींबू पसंद है तो नींबू डाल देना, थोड़े से अनारदाने हैं ये, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से खीरा है ये, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है मानसून स्पेशल, क्या बोलते हैं इसको, चना चाट मसाला, ये है क्या बोलते हैं इसको, टमाटर, ये टमाटर है। अब इसको आप नहीं, अच्छा बना, ज़बरदस्त बना, टेस्टी बना, आप टेस्ट करके देखिए, एक बार कमेंट करके बोलिए कैसा बना। चना चाट मसाला है ये, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो देखते देखते। अल्लाह हाफिज़।